हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में देखते हैं आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर। आर्टिकल 370 को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था। यह आर्टिकल कश्मीर के लोगों को बहुत सुविधाएं देता है जो कि भारत के अन्य नागरिकों को नहीं मिलती हैं। यह आर्टिकल स्पष्ट रूप से कहता है कि रक्षा, विदेशी मामले और संचार के सभी मामलों में पहल भारत सरकार करेगी। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है, ना कि भारत के संविधान के अनुसार। आपको यहाँ बता दें कि जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ, साफ स्वच्छ हवा और पानी इस प्रदेश को वाकई स्वर्ग सा बना देती है। लेकिन कुछ सालों से कश्मीर की इन वादियों में बारूद की दुर्गंध आ रही है। इसके पीछे कारण यह यहाँ के अलगाववादी नेताओं के स्वार्थपरक राजनीति और कुछ कानूनी पेचीदगियाँ, जैसे आर्टिकल 370, आर्टिकल 335A है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर भी आज़ाद हो गया। आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के साथ ही 563 जो रियासतें थी जो स्वेच्छा से शामिल हुई थी भारत में, आपको बता दें 3 रियासतें बची हुई थी। हैदराबाद निजाम, इसे पुलिस बल के द्वारा भारत में मिला दिया गया था। जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा, और संविधान को जम्मू कश्मीर को एक संधि द्वारा, विलय पत्र द्वारा। तो आपको बता दें इन तीनों ही रियासतों को भारत में मिलाने का से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री भी थे साथ में। ठीक, यहाँ जम्मू कश्मीर के कुछ बता दें कि यहाँ स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आजाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफ़ी सा हत्या लिया था। इस परिस्थिति में महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी थी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर ऑफ टू इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये तस्वीर है उस समय की। इस नए समझौते के तहत जम्मू कश्मीर ने भारत के साथ 3 विषयों, रक्षा, विदेशी मामले और संचार को भारत के हवाले कर दिया था। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत सरकार ने वादा किया था कि इस राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान के माध्यम से राज्य के आंतरिक संविधान का निर्माण करेंगे, और जब तक राज्य की संविधान सभा शासन व्यवस्था और अधिकार क्षेत्र की सीमा का निर्धारण नहीं कर लेती, तब तक भारत का संविधान केवल राज्य के बारे में एक अंतरिम व्यवस्था प्रदान कर सकता है। इस प्रतिबद्धता के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य में ये प्रावधान केवल अस्थाई हैं और इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 को लागू किया गया है। आपको बता दें कि 1948 में ये विलयपत्र हुआ था, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और संचार भारत को सौंपे गए थे, और यहाँ 1951 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था यहाँ, और 26 जनवरी 1957 को संविधान लागू हुआ था जम्मू कश्मीर में। यहाँ और जम्मू कश्मीर के बारे में दो बातें जान लें। यहाँ विधानसभा की सीटें थी 111 हैं, जिनमें पीओके के लिए 24 छोटी हैं, बाकी जम्मू कश्मीर में, और विधान परिषद की हैं 36। अब यहाँ आर्टिकल 370 में जो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अधिकार और सुविधाएं देते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक, Okay.
चलिए बात करते हैं पहली। जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक संविधानिक राज्य है, किंतु इसका नाम, क्षेत्रफल और सीमा को केंद्र सरकार तभी बदल सकती है जब जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार इसकी अनुमति दे। इस आर्टिकल के अनुसार रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर बाकी सभी कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को राज्य से मंजूरी लेनी पड़ेगी। तीसरा है हमारा, इस आर्टिकल के कारण जम्मू कश्मीर का अपना संविधान है और इसका प्रशासन इसी के अनुसार चलाया जाता है, ना कि भारत के संविधान के अनुसार। चौथा है, जम्मू कश्मीर के पास दो झंडे हैं, एक कश्मीर का अपना झंडा राष्ट्रीय झंडा और भारत का दूसरा है भारत का तिरंगा झंडा है, यहाँ का राष्ट्रीय ध्वज है। पांचवा है, देश के दूसरे राज्यों के नागरिक इस राज्य में किसी भी तरीके की संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं और अर्थात इस राज्य में संपत्ति का मूलभूत अधिकार अभी भी लागू है। कश्मीर के लोगों को दो प्रकार की नागरिकता मिली हुई है, एक कश्मीर की और दूसरी भारत की। अगला, यदि कोई कश्मीरी महिला किसी भारतीय से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता खत्म हो जाएगी, लेकिन यदि वह किसी पाकिस्तानी से शादी कर लेती है तो उसकी कश्मीरी नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली, यदि कोई पाकिस्तानी लड़का किसी कश्मीरी लड़की से शादी कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता भी मिल जाती है। अगली बात करते हैं, ऐसा सामान्यतः ऐसा होता है कि जब कोई भारतीय नागरिक भारत के किसी राज्य को छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है, लेकिन जब कोई जम्मू कश्मीर का निवासी पाकिस्तान चला जाता है और जब वह कभी वापस जम्मू कश्मीर में आ जाता है तो उसको दोबारा भारत का नागरिक मान लिया जाता है। अगली बात करते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के भाग चार राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग चार के मूल कर्तव्य इस राज्य पर लागू नहीं होते, अर्थात इस प्रदेश के नागरिकों के लिए महिलाओं की अस्मिता, गायों की रक्षा, देश के झंडे इत्यादि का सम्मान करना जरूरी नहीं है। अगला है, जम्मू कश्मीर में भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि का अपमान करना अपराध की श्रेणी में नहीं है। अगला है, आर्टिकल 370 के कारण ही केंद्र राज्य पर वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 जैसा कोई भी कानून लागू नहीं कर सकता, अर्थात यदि भारत में कोई वित्तीय संकट आता है और भारत सरकार वित्तीय आपातकाल की घोषणा करती है तो इसका जम्मू कश्मीर राज्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत के संविधान में किसी प्रकार का संशोधन जम्मू कश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता है जब तक कि इसे राष्ट्रपति के विशेष आदेश द्वारा लागू करने की अनुमति ना दी जाए। अगला है, केंद्र जम्मू कश्मीर पर केवल दो दशाओं युद्ध और बाहरी आक्रमण के मामले में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। अगला है, यदि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाता है और इसका प्रभाव जम्मू कश्मीर पर नहीं पड़ता, हालांकि जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार की मंजूरी के कारण के बाद ही इसे राज्य में लागू किया जाता है। अगला है, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर की गड़बड़ियों के कारण वहां राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकता है, उसे ऐसा करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होती है। अगला, इस राज्य की सरकारी नौकरियों में सिर्फ इस राज्य के परमानेंट नागरिक ही सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके अलावा यहां राज्य की स्कॉलरशिप भी यहां के लोकल लोगों को ही मिलती है। ऊपर दिए गए तथ्यों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एक राज्य है लेकिन इस राज्य के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं जो कि भारत के अन्य राज्यों से अलग हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की मुख्य वजह वहाँ के कुछ अलगाववादी नेताओं के स्वार्थी है। ये अलगाववादी नेता पाकिस्तान के इशारों पर जम्मू कश्मीर के गरीब लड़कों को भटकाते हैं और आतंक का रास्ता चुनने को मजबूर करते हैं, हालांकि ये नेता अपने लड़कों को विदेश में पढ़ाते हैं। अब समय की जरूरत यह है कि कश्मीर के लोग इन अलगाववादी नेताओं के स्वार्थ की हितों को समझें और भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस प्रदेश में दोबारा शांति अमन की बहाल लाएं। तो दोस्तों, ये थी मुख्य प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को मिले हुए हैं। ऐसी तरह की बहुत भी, जैसे यहाँ की विधानसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष, वो यहाँ आपको बता दें राज्यपाल शासन लगाया जाता है, ठीक है, और कोई भी संविधान अगर यहाँ लागू होता है तो उसे विधानसभा से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा से अनुमति लेने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये था 370 हमारा।